व्हाट इज अप पीपल, कैसे हैं आप लोग सब। जैसे मैंने बोला था कि इंटर की क्लास एकदम ऑन डॉट टाइम पर होगी, कल खाली वो चार्जर का नौटंकी हो गई थी उसके चलते एकदम डॉट 8:30 बजे एंड वी हैव स्टार्टेड। ठीक है तो भैया एकदम डॉट टाइमिंग पे होगी और मैं अपना चश्मा नहीं लाया, कोई नहीं। ये लगा के पढ़ा लू क्या? फाउंडेशन होता तो कर लेता, इंटरमीडिएट पे थोड़ा सीरियस रहना, यही लगा के पढ़ा लेगा। चलो ऐसे ये लगा के मैंने पढ़ाया हुआ है, बट उस दिन मेरी आंख में इंफेक्शन था इस वजह से। चलो आई होप आप लोग ने वॉइस रिकॉर्डिंग कल रात में सुन ली थी, सुनी थी कि नहीं सुनी थी बच्चों? वॉइस रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजी थी, आपने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? सुनी थी तो अब आपको आई गेस काफी चीजें क्लियर होंगी वॉइस रिकॉर्डिंग से। मैं अभी वापस से वो सारी चीजें बोल दूंगा, बस एक मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ कि सब लोग ज्वाइन हो जाए, फिर एक मिनट में वापस से वो बोलूंगा तो तीसरी बार रिवाइज हो जाएगा एंड देन वी विल मूव अहेड। मिस्ड इट तो बेटा एक मिनट आप उसमें यूटिलाइज कर लो, जाके देख लो। अरे बेटा जो ऊपर टेलीग्राम है ना उसी का जो नोट्स वाला सब्जेक्ट वाइज है उसमें भी है और जो जनरल वाला है उसमें भी है, मैंने तो दोनों में भेज दिया था, कैसे नहीं मिला आपको? आप टेलीग्राम में हो तो मिलेगा ही, नोट्स और बुक भी अपलोड हो गई है बेटा टेलीग्राम पर। हाँ बुक भी चैप्टर वाइज अपलोड हो गई है पूरी की पूरी। अब ड्राइव का लिंक कैसे मिलेगा? टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां ड्राइव का लिंक मिल जाएगा आपको। सर आपकी बुक के इंस्टीट्यूट मटेरियल को 100% कवर करती है? 200% कवर करती है। एक भी चीज आपको उल्टा मेरी बुक में दो चार चीजें ज्यादा मिलेंगी कंपेयर टू जितनी इंटर उसकी बुक में है, क्या बोलते हैं आईसीआई की बुक में, कम कहीं नहीं मिलेगी ज्यादा ही मिलेगी उल्टा। आपको पता होगा अगर आपने हमसे फाउंडेशन पढ़ा होगा तो इंटर मतलब हमें इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, उल्टा हम इंस्टीट्यूट का मटेरियल पसंद करते हैं। हम मानते हैं पढ़ो उस भगवान की किताब ही पढ़ लीजिए, बाइबल चर्च में जाओगे तो बाइबल पढ़ना लॉजिकल है, कुछ और पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता। कहां भाई ठीक तो है, मेल कब तक आएगा बुक के लिए? बेटा सबर कर लो वर्षा, सबर कर लो, हफ्ता भर बोला है ना सबर तो करो। ऐसा कौन सा है कि आज ही किताब देंगे तो तुम पढ़ने लगोगे? दे तो रही है, नोट्स तो पूरा लिखी रहे आपने। पहले आप मेरे को यह बताइए आपने कॉपी लाई कि नहीं लाई? जो कॉपी नहीं, मैंने कॉपी तो दीजिएगा ना एक तो, पर मैंने किया नहीं, सर ने बुलाया। कॉपी ली कि नहीं ली आपने? हम लोग कॉफी ली कि नहीं अभी बोलने जा रहे थे, कॉपी ली कि नहीं ली? ले लिया। चलो सर बढ़िया, लेते नहीं ली तो बेटा कल दिन भर छोटे में ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, 6 महीने में आईसीआई पास करोगे तुम? अबे यार तो शुरू करते अभी 8 GB इंटरनेट खरीदे हैं सिर्फ तुम्हारा क्लास करने के लिए वोडाफोन का। सुना तो सर अब अपने शुरू करने जा रहे हैं, पर शुरू करने से पहले जैसे हमारी प्रथा रहती है कि भैया हम लोग पुराना रिवाइज करते हैं तो पहले ओल्ड रिवाइज कर लेते हैं कि सर जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ाया उसमें क्या, 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई। हम लोग कौन सी मिनिस्ट्री पढ़ते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसके तहत सर हमें कौन से एक्ट पढ़ने पड़ते हैं? इसके तहत हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और फेमा। उसके बाद सर हम लोग को हमारे लिए कौन सी बॉडी बनी हुई है? हमारे लिए बनी हुई है, अरे एमसीक्यू की बुक दूसरी है भाई। ठीक है तो लॉ मिनिस्ट्री और जस्टिस जो है वो एमसीए है। एमसीए क्या काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम ये है कि भैया ये आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई के काम को रेगुलेट करती है और मतलब कंट्रोल करती है और साथ ही साथ कॉर्पोरेट बॉडीज के बिजनेसेस को देखती है। उसके बाद हम लोग ने ये डिस्कस किया कि हमारे देश में एक्ट कैसे बनता है। पहले एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिल बनाया जाता है, बिल को बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। जब दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट जी का सिग्नेचर होता है, उसके बाद वो जाके एक्ट बनता है। लेकिन आपको उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इनएक्टमेंट डेट, ठीक है, इनएक्टमेंट डेट और एप्लीकेबिलिटी डेट अलग अलग होती है। इनएक्टमेंट डेट का मतलब होता है जिस दिन उसको गजट में डाला गया है, जिस दिन उसको गजट में घुसड़ा गया है, और एप्लीकेबिलिटी डेट
मतलब होता है जिस दिन से वो अप्लाई कर रहा है। जैसे आईसीआई का हमने आपको एग्जांपल दिया था, 21 जून को न्यू सिलेबस किया था, लेकिन 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई से वो न्यू सिलेबस क्या करता है, अप्लाई करता है। तो ये दो बातें हमने आपको एक्ट के बारे में बताई थी। उसके बाद तीसरी बात जो हम लोग ने डिस्कस की थी कि कंपनीज एक्ट आपके सामने क्यों आया, कब आया और कहां तक एप्लीकेबल है। सर जल्दी बता दीजिए, कंपनीज एक्ट क्यों घुसड़ा गया था? सर कंपनीज एक्ट इसलिए लाया गया था सो दैट 1956 वाला जो एक्ट है उसको रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि वो ऑब्सोलीट बन गया था, पुराने वाले को रिपील करके उसका छिलका हटा के नए वाले को लाया गया था। आप लोग को पहले भी बोला गया, अपने दूसरे बच्चों को जिनको आप जानते हो जो डिफरेंट बैचेस में है उनको एनरोल करा के आप इधर लेके आइए एकदम फटाफट, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बढ़िया। आई हैव नो क्लू अबाउट दैट एंड आई विल मेक नो कमेंट ऑन दैट। दैट्स सिंपल। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 30th August, ठीक है, 2013 को ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद सर ये कहां तक एप्लीकेबल है? क्रिश, एज आई सेड, आई हैव नो क्लू अबाउट इट एंड आई विल मेक नो कमेंट ऑन इट। ठीक है, ये कहां तक एप्लीकेबल है? सर इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत देश को अप्लाई करता है कंपनीज एक्ट, और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर कंपनीज एक्ट नहीं एप्लीकेबल। उसके बाद आया सर पॉइंट नंबर 4, ठीक है, उसके बाद आया सर पॉइंट नंबर 4। सर पॉइंट नंबर 4 में आप लोग ने क्या पढ़ा था? एक्ट और लॉ के बीच में डिफरेंस। भाई सबका तो ठीक आ रहा है अनन्या यार, अजब ही कुछ नया नौटंकी करते हो। अब हम क्या टावर पे जाके बैठेंगे या तुमको टावर पे बैठा है तुम्हारा? तो अब हम उसमें अब हम क्या करें बेटा? अंबानी अंकल से मेरा कोई डायरेक्ट टच नहीं है बेटा। आना सर, एक्ट और लॉ में डिफरेंस क्या है? सर आते हैं वापस से। सर लॉ का मतलब क्या होता है? वापस लॉ होता है जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, लॉ होता है जनरल प्रिंसिपल दुनिया, ठीक है। एक्ट होता है स्पेसिफिक प्रिंसिपल, एक्ट के अंदर पेनल्टी होती है। लॉ में देयर आर नो पेनल्टीज इन्वॉल्व, दीज आर जनरल गाइडलाइंस। यहां तक हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था, मैंने पूरा का पूरा कवर अप सिनॉप्सिस दे दिया, ठीक है। अच्छा सर अब देखो, सर पहले जो 3 लेक्चर्स होंगे, 3 लेक्चर्स जो होंगे, ये जो 3 लेक्चर्स होंगे, ये 3 लेक्चर्स में ठीक है, हाँ सर ये जो 3 अभी आज कल परसों 3 दिन जो क्लासेस होंगी, आज कल और परसों, इसमें हम लोग पहला चैप्टर नंबर से दिखाएंगे। कल भी दिखाया था मैंने, आज फिर दिखा रहा हूं आपको, उसके पीछे एक रीजन। अरे यार वर्क है, चिकित्सा लेता है बड़ा फोन, क्या चीज का पैसा लेता है, बोलता है 4G इंटरनेट हर जगह आएगा। यार घर में बैठ के तो 5 मिनट के टावर पे तो आता नहीं नेटवर्क, पब्लिक को खाली बेवकूफ बनाए चले जा रहे हैं दिन पर दिन। अब इधर तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हमने आपको बोला 3 दिन, 3 दिन क्या चीज का, ठीक है बेटा। हम अब सीधा नंबर चेंज करेंगे, उससे हमको जिंदगी, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और कोई और दिक्कत भी नहीं होगी। आइए, अरे वैसे भी यार घर पे दिक्कत नहीं होती, ये पढ़ाने आया हूं मैं गुवाहाटी में ऑफलाइन, 21 तारीख को लास्ट है मेरा, उसके बाद सारी दिक्कत ही सॉल्व। देखो सर ये जो प्रिलिमिनरी वाला चैप्टर है, ये चैप्टर आपने थोड़ा सा फाउंडेशन में छोड़ेंगे नहीं, हम लोग को 148 सेक्शंस करने, मैंने कल आपको बताया था, और साथ में 15 सेक्शंस और ऐड किए गए हैं। ये जो नया चैप्टर है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया 379 से 397 तक, तो ये जो नया पोर्शन है ये भी अपने को करना है, बट हम लोग इसको भी छोड़ेंगे। तो अभी अभी क्या होगा, आपको ऐसा दिख रहा होगा कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको देखने से लग रहा होगा सर ये वाले टॉपिक मैंने पहले पढ़े, ठीक है,
ये वाले टॉपिक मैंने पढ़े हैं, ये शायद मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा उसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि करना आपको है, चाहे आज चाहे कल। और मेरा काम, क्योंकि देखो ये क्लासेस जो मैं आपको करा रहा हूं, ये सिर्फ फाउंडेशन चोरी, कुछ ऐसे तो कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट एंट्री करके आए, सबको बताऊंगा चाहिए। तो आज हम लोग ऑफिशियली अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज प्रिलिमिनरी। तो प्लीज आप अपने मतलब नोट पहले पेज नंबर 1 लिख के हेडिंग दे दीजिए, चैप्टर 1, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट। सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, चैप्टर 1 कंपनीज एक्ट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होंगे वो हम लोग लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन कम इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम लोग बुक में मार्क करेंगे, पर हम लोग पूरी की पूरी बुक कवर करनी है अपने को, वो हमारा टारगेट है। तो चले सर शुरू करें, आ जाइए सर। खाली मेरे को इतना बता दीजिएगा, इमेज आपको क्लियरली दिख रही है कि नहीं, क्योंकि आज हमारी बुक एकदम क्लियर क्लियर अपलोड हुई है। बोलिए, एकदम क्लियरली दिख रही है कि नहीं, एकदम बढ़िया दिख रही है। तो सबसे पहले शुरू हुआ है द कंपनीज एक्ट प्रिलिमिनरी, ठीक है। ये हमारी बुक का एक्चुअल कलर है, द पेपर। अभी थोड़ा सा डिले किसकी हो रहा है, एक तो नया सिलेबस आ गया उसकी वजह से, और फिर मेरे को ये सब हटवाना पड़ेगा ना, वरना तो वो डालेंगे नहीं ना हर जगह। तो मैंने अपनी ब्रांडिंग करके रखी है, तो हटाना पड़ेगा, अन अकेडमी लिखवाना पड़ेगा। आइए सर, बुक की पीडीएफ कैसे मिलेगी? सुमित ऊपर टेलीग्राम लिंक, अच्छा लाओ दिखाते हैं। देखो सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सारे बच्चों को दिखा देता हूं वंस एंड फॉर ऑल, तो ये लेक्चर में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको अपने चैट के ऊपर एक टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, आप इस टेलीग्राम लिंक को खोलिए, ऐसे डबल टैप करिए टेलीग्राम लिंक। अगर आप फोन पे हैं तो डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे, और अगर आप फोन पे नहीं है तो आप लैपटॉप पे क्लिक करके ओपन इन वेब क्लिक कर लीजिएगा, इससे खुल जाएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिएगा इसके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आपको यहाँ पर ड्राइव का लिंक दिख रहा होगा। अगर आप लैपटॉप पे हो तो ये ब्लू कलर का शाइन कर रहा होगा, अगर ये लैपटॉप पे नहीं हो तो ये शाइन नहीं कर रहा होगा, तो उस केस में आपको कॉपी करना है, कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करना है। कॉपी करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये डैश के बाद से जो HTTP है उससे कॉपी करिएगा, वरना वो नहीं खुलेगा और दिखाएगा, ठीक है। आप ऐसे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। अब देखिए सर, सारी चीजें यहां पर है, क्लास नोटिंग, ICAI का स्टडी मटेरियल, मेरी लॉ अभी आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, तो चैप्टर 1 की अपलोड हुई है पीडीएफ, उसके बाद 2-3 सारे के सारे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। अब आई होप ये क्लियर हो गया। अबे यार, अभी चल रहा है वो वाला पूरा, दिख गया था कहां पर है, देखो इस बार यहां पर, ठीक है। ये वाले जैसे ही आप खोलोगे ड्राइव खोल के जगह लॉ बुक बाय CSG, उसके अंदर आपको ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको बुक वहां मिल जाएगी, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अब आओ सर, देखो सर, सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का क्या होता है, सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी। कंपनीज एक्ट कहां तक अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर में ही बता दिया। अब आता है सेक्शन 2, किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 क्या होता है, डेफिनेशन। सर किसी भी एक्ट का, हाँ अभी देखो इनकम टैक्स एक्ट तुली सर पढ़ाएंगे, उसमें भी देखना सेक्शन 2 डेफिनेशन होगा, एकदम हर एक्ट का सेक्शन 2 इज डेफिनेशन और सेक्शन 1 इज एप्लीकेबल। तो सेक्शन 2 का सबसे पहला डेफिनेशन, कुछ पुरानी बातें याद आएंगी, इस सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब इसके ऊपर ना मैंने एक रील भी बनाई है, ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको फिर बता देता हूं। सर देखो सर, जब भी कोई ऐसी चीज लिखी होती है या ऐसी चीज लिखी होती है या इस तरह की चीज लिखी होती है, आपकी आदत क्या है, आप सबको सबसेक्शन बोलते हो, है ना, आप सबको सबसेक्शन बोलते हो, बट ये रॉन्ग लैंग्वेज है। इनमें से एक क्लॉज है और एक सबसेक्शन है, लेकिन सर पहचाने कैसे, दोनों तो एक ही जैसे लिखे हैं, ब्रैकेट के अंदर, वो थोड़ी ना चिल्ला के बोल रहा मैं क्लॉज ऐसा तो नहीं बोल रहा, हम कैसे पहचाने। देखो सर,
जब सेक्शन के अंदर जो दो ब्रैकेट के अंदर बातें लिखी होती हैं उनमें आपस में देर इज नो रिलेशन, नो रिलेशन, ठीक है, जब उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो क्लॉजेज है। जैसे मैं कुछ पुरानी यादें ताजा कराऊंगा, अगर आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रखा है तो उसमें आपको पता होगा 2:1 बायर होता था, बायर को डिफाइन करता था, और 2:13 सेलर को डिफाइन करता था। अब बायर और सेलर में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों अलग अलग चीज है। तो क्योंकि आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सेक्शन के अंदर की बातों में 2:7 गुड्स हुआ करता था, कोई रिलेशन नहीं है आपस में, इसीलिए इनको क्लॉजेस बोलते हैं। लेकिन आज इंटरमीडिएट में आके आप सेक्शन नंबर 96 पढ़ोगे जो मीटिंग्स के बारे में बात करता है कि मेंबर्स की मीटिंग्स कब करनी है, उसमें 96.1 बताता है कि कितनी बार मीटिंग होगी, तो 96.2 बताता है कहां पर मीटिंग होगी। सिंस टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोनों में सेम है, मीटिंग्स ही, और वो आपस में रिलेटेड है, इसलिए उसे सबसेक्शन बुलाते हैं। ये डिफरेंस आपको इंटरमीडिएट क्या बचपन में ही बता देना चाहिए, मैंने हालांकि बता के रखा है, फाउंडेशन पे ही बता देता हूं। लॉ में और सब सेक्शन में डिफरेंस होता है, इसीलिए अगर आपने देखो, मैं हमने अभी जब सेक्शन 2 बोला, मैंने 2 बोलते ही बोला 2 clause 20, ठीक है, इट इज अ क्लॉज, ठीक है, इट इज अ क्लॉज, इट इज नॉट अ सबसेक्शन, ठीक है। तो सर कंपनी क्या है? सर देखो, सबसे क्यूट डेफिनेशन, कंपनी, व्हाट इज अ कंपनी? अ कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। कितना क्यूट डेफिनेशन है, क्या बोलता है? रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब कौन सा सर? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, या बोलता है अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ? सर कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो पुराने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी, जैसे कि 1956 वाले कंपनीज एक्ट में। सर कौन सा? टाटा, रिलायंस, ये सब तो पुराने कंपनीज एक्ट में है। चलो एक काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछते हैं, सी को, ठीक है, सीरा आया अभी, पता नहीं सीरी से सीरा कैसे बन गया, कि टाटा का इनकॉर्पोरेशन ईयर क्या है? व्हेन वाज रिलायंस इनकॉर्पोरेटेड? अबे यार, इसकी आवाज को क्या हो गया, मर गई क्या? देखो 1988 दिखा तो दिया है इसने, पर पता नहीं क्यों बात नहीं कर रही, शायद गुस्सा। 1988 पता नहीं, बात नहीं कर रही। टाटा मोटर्स बोला मैंने, यही गलती है, आप टाटा ग्रुप का बता रहे हो 1968, मैंने टाटा मोटर्स बोला है, मोटर्स 1980 बोला है। तो ये जो 98 मोटर्स है, ये कौन से कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है? 1956 में। इवन दैट इज द कंपनी, इवन दैट इज अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर ओल्ड एक्ट्स, पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड है, प्रीवियस वाले में। तो सर कंपनी कोई सा भी हो सकता है, या तो इस वाले में हो या पहले वाले में हो, लेकिन सर ये डेफिनेशन से आपको कुछ समझ में आया? सर कुछ खास समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, कंपनी को डिफाइन करने के लिए बेटर डेफिनेशन निकाला, ठीक है। बेटर डेफिनेशन क्या था? हमने बोला कंपनी वो है, ठीक है, जिसमें कुछ यूनिक से फीचर होते हैं। कंपनी वो है जिसमें कुछ यूनिक से फीचर होते हैं। हमने बोला सर कौन से फीचर? उसमें कुछ यूनिक से फीचर होते हैं। सर कौन कौन से? सर सबसे पहला, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, इनकॉर्पोरेटेड। सर एक बात देखो, यहाँ पर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, हमारे किसी बच्चे से मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग सबसे, क्या फीचर और कैरेक्टरिस्टिक वर्ड में कुछ अंतर होता है? क्या फीचर और कैरेक्टरिस्टिक वर्ड में कुछ अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता। जो लोग बोल रहे हैं अंतर होता है, क्या अंतर होता है, जो लोग बोल रहे हैं नहीं अंतर होता, उनसे तो नहीं पूछ सकता क्या नहीं होता है, तो आप बताइए। बोथ आर सेम, ओके, नो सर, लेट मी टेल यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू सर, लेट मी टेल यू सर। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है वो चीज जैसा आप बनना चाहते हो, दीज आर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, जैसी कोई चीज होनी चाहिए। फीचर मतलब जैसी वो चीज है,
ठीक है, जैसी वो चीज है, जैसे आई वॉन्ट टू बी एज हार्ड वर्किंग एज विराट कोहली, तो वो मेरे लिए व्हाट आई एम इज माय फीचर्स, कि आई वर्क लेस देन हिम बट आई वर्क, बट आई वॉन्ट टू वर्क मोर देन हिम और लाइक हिम, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन यहां पर दोनों एक ही दिया हुआ है। हाँ, ये मैंने फाउंडेशन में बताया था, मेरे को पता है। अब सुनो सर, पहले मैं आपको इस ड्राइंग को आप लोग नोटबुक में ही बनाना, ड्राइंग कॉपी में मत बनाना, पहले समझ लो फिर आप ड्राइव से कॉपी कर लेना, अभी करने की दरकार नहीं। पूरा फोन बंद करना, उठा के फेंकना पड़ेगा इसको। फ्रेम ड्रॉप, ठीक है ठीक, इसको तो देखो अपना, देखो पूरा अपना टैक्स बुक शुरू कर दी, कहां से कर रहा है क्या थे? कुछ नहीं कर रहा, लोग नहीं पढ़ रहा, टैक्स छोड़ दिया टैक्स, चलो। अच्छा, ड्राइंग करना है अपने को, नोटबुक में ही बनाएंगे और कहीं नहीं बनाएंगे, ठीक है? नोटबुक में ही बना रहा, पंचायती सब्सक्रिप्शन खुद का खरीद नहीं पाई और टैक्स कहां से कर रहा है वो सब कर रही है बैठ के। चलो सर सुनना ध्यान से, सर देखो सर, आज की डेट में अगर आप एक कंपनी खोलने जाओ तो आपको भैया उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है? जब तक आप उसको रजिस्टर नहीं कराओगे तब तक काम नहीं होगा। अब देखो सर, मान लो मैं और जतिन सर मिलके एक कंपनी खोलते हैं, ठीक है जी, मैं और जतिन सर मिलके एक कंपनी खोलते हैं, जेएस प्राइवेट लिमिटेड, जतिन शान प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जतिन एस प्राइवेट लिमिटेड, तो वो तीन जगह भी मत लेती, वो तीन जगह भी मत लेती नहीं सर, उन लोगों को तो पैसा देना चाहिए, आप लोग का काटेंगे। हम तो यूए को यही सजेस्ट किया है भाई, हम कल मीटिंग हुई थी, मैंने कल मीटिंग दस इधर एक पर एक लॉगिन देना शुरू करी, या आप एक आईडी पर दो लॉगिन दीजिए लेकिन जैसे ही आईपी एड्रेस चेंज होता है उसको लॉग आउट करा दीजिए, सीधे लॉग आउट करा दीजिए और एंट्री मत दीजिए। सेम इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन पर आप लॉगिन दीजिए, दो दीजिए लेकिन दो से ज्यादा मत दीजिए, और ना रिकॉर्डेड ना लाइव, एकदम सीधा लिमिट कर दीजिए, अपने आप लोग सुधर जाएंगे। थैंक यू सो मच। चलो सर, तो सर जेएस प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर किया, आप सुनो, अब हम लोग ने कंपनी रजिस्टर करा ली, मेरा अपना बर्थ सर्टिफिकेट है, जतिन सर का अपना बर्थ सर्टिफिकेट है। जैसे ही हम लोगों ने कंपनी को रजिस्टर कराया, कंपनी का अपना बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। अब क्योंकि कंपनी का अपना बर्थ सर्टिफिकेट है तो कंपनी और हम लोग अलग अलग है, हम मेरी और कंपनी की है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी और मेरा एग्जिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है?
कंपनी और मेरा एग्जिस्टेंस अलग अलग है, सेपरेटली कनेक्टेड है। अब सुनो सर, अब देखो मैं तो बात कर सकता हूँ, जतिन सर भी बात कर सकते हैं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, जतिन सर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये फैक्चुअल है। लेकिन सर, लेकिन कंपनी तो ये नहीं कर पाएगी, क्यों? क्योंकि कंपनी जैसे ही रजिस्टर होती है, कंपनी को स्टेटस मिलता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब कंपनी रजिस्टर्ड तो है लेकिन कंपनी आर्टिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि वो दिखती नहीं है बट वो है। मैं तो बोलता हूं कंपनी सरस्वती माता है, भगवान है। भगवान आपको दिखते हैं नहीं, पर आपको उनके होने पर भरोसा है। कोई भी आपको तकलीफ होती है, सबसे पहले भगवान के सामने, जिस दिन अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, अभी तो आदत है, अभी तक तो फीवर भी नहीं गया होगा, तो आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे ना, दिखते नहीं है बट आप भगवान के सामने, फिर भगवान पास करा दे, भगवान कुछ भी नहीं, उस दिन आप सब भूल जाते हैं, जिंदगी की मोहमाया, सिर्फ भगवान याद रहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल, अब आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि वो हमारी तरह बात नहीं कर सकता। सर लीगल क्यों है? बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड अंडर लॉ, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। अब सर सुनो सर, क्योंकि ये भी एक पर्सन है, हम तो कोई लिंकेज करके पढ़ा रहे हैं, ये भी एक पर्सन है, तो इसके भी तो पर्सन जैसे सारे राइट होने चाहिए कि ये प्रॉपर्टी खरीद सके, प्रॉपर्टी बेच सके, लोन ले सके, लोन दे सके, लाइबिलिटी ले सके, लाइबिलिटी दे सके, ये सब कुछ कर सकता है कंपनी, जेएस प्राइवेट लिमिटेड सब कुछ कर सकता है। लेकिन भाई ये सब करने के लिए साइन भी तो करना पड़ेगा, पेन कैसे पकड़ेगा कंपनी? इसीलिए कंपनी का होता है जिसको बोलते हैं भैया कॉमन सील सिग्नेचर, कंपनी का कॉमन सील जिसको बोलते हैं कंपनी का स्टैंप। जिस डॉक्यूमेंट पर कंपनी का स्टैंप लगा होता है, कॉमन सील लगा होता है, हम लोग मानते हैं कि वो डॉक्यूमेंट इज अप्रूव्ड बाय द कंपनी। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आज की डेट में ये जो कॉमन सील है ये किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो ठप्पा हो या कोई भी डॉक्यूमेंट विच इज साइन बाय टू डायरेक्टर्स एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, उसको भी वैलिड माना जाता है एज अ कॉमन सील दैट इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कंपनी, ठीक है। अब जतिन सर एक दिन मेरे को बोलते हैं, सर एक बात बताइए, कंपनी और हम तो अलग अलग है। हमने बोला हाँ, तो बोला सर फिर उसकी एक्टिविटी के लिए मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ? मैंने बोला जतिन सर आप नहीं हो रिस्पॉन्सिबल। बोले हाँ नहीं हूं मैं। बोला नहीं आप नहीं हो। उन्होंने बोला कैसे? मैंने बोला क्योंकि सर आपकी कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी है। बोले हाँ। मैंने बोला हाँ। बोला सर ये लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? बड़ा अच्छा लग रहा सुनने में। मैंने बोला सर लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आप कंपनी की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, कंपनी अपनी एक्टिविटी के लिए इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आपका कोई नहीं है, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप उसमें हकदारी नहीं है, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है गुरु। जतिन सर खुश होकर नाचने लगे, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है? मतलब कुछ नहीं सर, कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी आपकी नहीं, कंपनी के एसेट है आपके नहीं। अगर आप देख रहे हो मैंने इस ड्रॉइंग में कंपनी के सारे फीचर्स कवर कर दिए, अभी बुक से भी पढ़ा दूंगा। एक इट इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी, दूसरा इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, तीसरा इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, चौथा इट्स कॉमन सील, पांचवा लिमिटेड लाइबिलिटी। एक बार ओवरव्यू दे दूं फटाक से। सर कंपनी को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, आपने पार्टनरशिप पढ़ा था फाउंडेशन में, वहां रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, कंपनी का मैंडेटरी होता है। जो दिन कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर कराया उस दिन से, जैसे हमने बोला ले भैया रजिस्ट्रार, लो रजिस्ट्रार दीर, हमारा पेपर ले लो, हमें रजिस्टर कर दो, जैसे ही हमने कंपनी को रजिस्टर करवाया उस दिन से कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। मतलब कंपनी अलग हम अलग, क्योंकि कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट अलग बना, बट क्योंकि कंपनी बातचीत नहीं कर सकती तो कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, क्योंकि लीगल है तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीदना बेचना ये सारी चीजें कर सकती है जैसे हम लोग करते हैं। पर ये सारी चीजें करने के लिए तो भैया साइन करना होगा, तो साइन करने के लिए कंपनी को दिया गया है कंपनी का कॉमन सील जो कि है स्टैम्प। अब फिर जतिन सर मेरे को बोलते हैं सर जब हम लोग अलग अलग हैं तो कंपनी के लिए मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूं? तो मैं जतिन सर को एक कॉन्सेप्ट बताता हूं लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसमें जतिन सर कंपनी के रिस्पॉन्सिबल लाइबिलिटी सर की है, देयर इज लिमिटेड लाइबिलिटी। बोलो सर पांचों फीचर क्लियर है अभी? बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है।
अब कोई बच्चा सोच रहा होगा हम नोटबुक में क्या लिखेंगे, ये नोटबुक में लिखाएगा आपकी, क्योंकि इसके बगल में कॉलम बना हुआ है। जिस भी चीज में कॉलम बना है जिस पेज में, सिर्फ वही नोटबुक में लिखा जाएगा, उसके बाद बाकी कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब बुक में चलते हैं। अब इन सब के बाद सबक, इन सब के बाद सबके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, सर जो बना ही आर्टिफिशियल है वो मतलब नहीं, विच इज क्रिएटेड ऑन पेपर विल ऑलवेज डाई ऑन पेपर ओनली, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है तो ये हमेशा चलता रहेगा। हमारी तुम्हारी तरह नेचुरल पर्सन होता तो पहले ही टपक गया होता। तो यहां पर कंपनी में होता है परपेचुअल सक्सेशन। आपने फाउंडेशन में परपेचुइटी पढ़ा है? परपेचुइटी पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, इंटरमीडिएट के एफएम के चैप्टर में पढ़ोगे परपेचुइटी, ए बाय आर, एनुइटी रेट ऑफ रकम निकालना नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कमाएंगे, ए बाय आर परपेचुइटी। वैसे ही सर कंपनी में भी, वैसे ही कंपनी में भी परपेचुअल सक्सेशन होता है। कब तक कंपनी चलेगी कोई ठिकाना नहीं, जब तक ऑन पेपर है तब तक चलेगी। मैं एक सेंटेंस लिखना चाहता हूं, ठीक है, आप कॉपी जरूर करिएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है। इसीलिए अ कंपनी इज created by law and can be put to an end by law only, and can be put to an end by law only. ठीक है, it is created by law and it can be put to an end by law only. पेपर पर बनता है, पेपर पर ही मिट सकता है, उसके अलावा नहीं। आ जाओ सर आगे बढ़ते हैं, किताब में चलते हैं। देखो सर, सर सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन में देखो, सबसे पहले बोलता है कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, कोइंसिक्वेंटली अ कंपनी कैन नॉट फॉल इल, डाई और डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन, इट इज अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। सर यहां पर एक वर्ड दिखाई देगा, कॉन्टेम्पलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्टेम्पलेशन? कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ओनली इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अरे यार, अब से ना गलती से टेलीग्राम खुला हुआ छूट जाता है, दिन भर बच्चा मैसेज करता रहता है। अब देखो कितने गधे बच्चे हैं मेरे, देखो सेकंड मैसेज का आप फर्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्स लिखा है, पढ़ के आदमी को समझ में आ जाना चाहिए फास्ट ट्रैक है। अगला मैसेज फास्ट ट्रैक है क्या? ये लिखा है फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक है क्या ये? और फिर बोलते हैं इंस्टीट्यूट फाउंडेशन को डिफिकल्ट बना के गलत कर रहा है। फिक्टिशियस मतलब नकली हिंदी में, इमेजिनरी इंग्लिश में, नकली हिंदी में, इमेजिनरी इंग्लिश में। तो इट इज नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, कंपनी दिख नहीं रहा तो वो नकली है, तो उसे तो भगवान भी नहीं दिख रहे, तो क्या भगवान नकली है? नहीं है, हमें फील होता है बस दिखता है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आता है सर सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या? कॉन्टेम्पलेशन का मतलब है इंटरप्रिटेशन। देखो सर, आज की डेट में कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है, हमें यह कैसे पता चलता है? क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो इट इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द लॉ। अगर लॉ होता ही नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं है। सोचो अगर हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता तो क्या हम एग्जिस्ट नहीं करते? हम तो फिर भी एग्जिस्ट करते क्योंकि हम पैदा हो गए हैं ना। बट क्या कंपनी के केस में ऐसा हो पाता? अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती तो क्या कंपनी एग्जिस्ट कर पाती? कभी नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है सर, फिर आता है सर सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने क्या बोला सर? कंपनी और कंपनी चलाने वाले लोग अलग अलग हैं। द मेंबर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंपनी।
मतलब इन द आईज ऑफ लॉ मेंबर और कंपनी अलग अलग है। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया केस है सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन और ली फार्मिंग, ठीक है। हम लोग इस दोनों केसेस को अभी बैक टू बैक करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके पहले सारा फीचर्स खत्म करेंगे। टिम्बर वाला तो आपको याद है, सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन हम फिर भी करा देंगे, लेकिन ली फार्मिंग वाला आपके लिए नया होगा, मजा भी आएगा, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन में छोटे में टीचर बोलता था, मेन में कम, मेंबर में कम एंड गो, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। आईसीआई ने भी सेम लाइन रखी है, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। बेसिकली परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? कंपनी इंडिपेंडेंट है मेरे और जेडी सर के एग्जिस्टेंस से। मैं मर जाऊं तो भी कंपनी चलेगा, जेडी सर को कुछ हो जाए तो भी कंपनी चलेगा। हम लोग दोनों अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी कंपनी चलेगा। मतलब कंपनी विल एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव कि हमारे पर्सनल्स क्या, कि उनके मेंबर्स को क्या हो रहा है। आज देखो धीरू भाई अंबानी मर के चले गए, लेकिन कंपनी तो फिर भी चल रहा है ना, रिलायंस अभी भी चल रहा है। छोटे भाई वाला डूबने की कगार पे है ऑलमोस्ट, लेकिन बड़े भाई वाला तो कितना अच्छा चल रहा है। आज हमको यहाँ पे संस्कृति को देख के कितनी खुशी हो रही है। तुम वही हो कि तुम्हारे अंदर कोई और है? वही है ना, तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट नहीं निकला था ना आखिरी बार जब तुम छोड़ने वाली थी लास्ट टाइम, तुम्ही थी ना? हाँ, लास्ट टाइम ये छोड़ने वाली थी ना, मेरे को बोली सर दोबारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैंने बोला बिल्कुल करना चाहिए। अगर मैं इंसॉल्वेंट तो अलग अलग है, मैं इंसॉल्वेंट हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी विल गो फॉरएवर, कंपनी तो इंडिपेंडेंट है ना हमसे, कंपनी तो चलेगी। देखो सर एक चीज बताता हूँ मैं आपको, हम लोग एजुकेटर्स हैं हर पर, ठीक है, लेकिन सर कोई एजुकेटर आए, मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए भी बोल रहा हूँ, हम लोग आज हैं तो ठीक है, अगर हम लोग कल नहीं भी रहेंगे ना तो प्लेटफॉर्म चलेगा। किसी के आने से या किसी के जाने से फर्क पड़ता है, बट इसका यह मतलब नहीं कि कंपनियां बंद हो जाती है, कंपनियां वैसे ही चलेगी। इट इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग इन द यूएस, पीपल आर नेवर बिगर देन द कंपनी, बिकॉज द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ, इट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस। किसी के आने या किसी के जाने से फर्क नहीं। एकदम बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं आपको, बड़े लेवल पर सोचो, भारत पे है, ग्राउंड अप अश्विनी ग्रोवर ने बनाया है ना, उसकी कंपनी ने उसी को निकाल दिया, कंपनी बंद हो गई क्या? कंपनी अभी भी चल रही है, बिजनेस चलेगा, क्योंकि बिजनेस में परपेचुटी है, किसी के आने या किसी के जाने से बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता, उसकी एग्जिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत बिजनेस में ऊपर नीचे फर्क पड़ सकता है, लेकिन एग्जिस्टेंस पर नहीं। तो मैं भी बोलता हूँ कल को अगर मैं नहीं भी रहूंगा ना तो भी अनअकैडमी चलेगा, ऐसा नहीं कि अनअकैडमी बंद हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे हमको मिस जरूर करेंगे, कुछ बच्चे इधर उधर घूमने लगेंगे, लेकिन वो रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा। सो इट्स सेम फॉर एवरीवन। नकुल सर है, बच्चे कितने, नेक्स्ट फिर आती है सर लाइबिलिटी, ठीक है। अरे वो ऑफलाइन वाले बच्चे, फाउंडेशन में बच्चा खुश रहता है ना, नया नया भी उसके अंदर बहुत सारा वो रहता है, वो तो जब वो सेल्फ स्टडी करता है तब उसको पता चलता है ये सागर कुछ और है, फिर जब वो इंटरमीडिएट में जाता है वो पूरा हो जाता है, समा जाता है। आइए, और फाइनल के बच्चों के चेहरे पर देखना कैसे मौत छाई रहती है पूरा टाइम। तो सबसे खुश बच्चा फाउंडेशन में होता है। आओ सर, लिमिटेड लाइबिलिटी, बेटा देखो हमको भी पता है ऑनलाइन बेस्ट है, लेकिन सामने से जब कोई पैसा दे रहा है, वो भी अच्छा खासा पैसा दे रहा है, तो कर लेते हैं ना। हम भी प्लेन में ट्रैवल करना पड़ता है बेटा, टिकटें महंगी हो रही हैं दिन पर दिन, एक एक विजिट पर अगर लोग 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं 2-3 घंटा पढ़ाने का, तो कर लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। आइए, लिमिटेड सर, अब बात आती है लाइबिलिटी की, ठीक है। तो सर लाइबिलिटी के बेसिस पर मैंने आपको बोला, सुनना ध्यान से, ठीक है। लाइबिलिटी के बेसिस पर रफ में लिखू, नहीं फेयर में लिखता हूं, फेयर में ही लिख रहा हूं, ठीक है, फेयर में ही लिख रहा हूं, आप लिखना है इसको।
लाइबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है भाई, प्लीज ये वाला चीज समझना। वैसे तो काफी लोगों को ये पता होगा कोई फाउंडेशन में है, लाइबिलिटी कंपनी की लिमिटेड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का मतलब है उधारी, विच इट इज अ ऑब्लिगेशन। देखो एकदम बेस लेवल, हाँ, इट इज एन ऑब्लिगेशन, जो आपको ऑब्लिगेशन टू पे है, किसी को पेमेंट करनी है आपको, दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी आपकी क्या है? लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड है, बंधी हुई है, ठीक है, बंधी हुई है, लेकिन कब तक? ड्यूरिंग बिजनेस। जब तक कंपनी एज अ बिजनेस कंटिन्यू कर रही है तब तक लाइबिलिटी लिमिटेड है, जब बिजनेस की तरह कंटिन्यू नहीं करेगी तब अनलिमिटेड हो जाएगी। तो सर लाइबिलिटी में दो हिस्से आते हैं, एक आती है लिमिटेड, एक आती है अनलिमिटेड, ठीक है, एक है लिमिटेड कंपनीज और एक है अनलिमिटेड कंपनीज। लेकिन भैया यही इसीलिए मैंने इतना चीख चीख के बोला, ये याद रखिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिजनेस सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड, ड्यूरिंग बिजनेस, ठीक है। अब सुनो सर, सर जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उन दो तरह की लाइबिलिटी लिमिटेड वाली होती है। हाँ कुछ लोग बोल भी रहे हैं, कंपनी जो लिमिटेड होती है उसमें दो तरह की होती है, एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, हाँ, और दूसरी होती है सर लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। देखो सर जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है इसमें लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड होती है? इसमें लाइबिलिटी होती है अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, लाइबिलिटी लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब सुनो सर, क्योंकि आप इंटरमीडिएट में हो, अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल आपने शेयर के लिए अप्लाई किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर ओपन हुआ कंपनी का, कंपनी ने पहली बार शेयर इशू किए, आपने स्टॉक मार्केट पर अप्लाई किया, कंपनी को अप्लाई किया, आपने सीधे कंपनी को अप्लाई किया कि हमें ये शेयर चाहिए, सेक्शन 222 बाद में आता है, एस बाद में आता है इसलिए 22 है, जी पहले आता है इसलिए 21 है इसका सेक्शन, ठीक है, क्लॉज। अब सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आपने एप्लीकेशन मनी पेमेंट किया, ठीक है, कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर आपको शेयर दे दिया, अलॉटमेंट कर दी, अब आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, जिस दिन आपका नाम यहां पर एंटर होता है उस दिन आप कंपनी के मेंबर बन जाते हो। तो जिसने शेयर्स आईपीओ में या एफपीओ में खरीदे, आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, एफपीओ मतलब जब बाद में कर रही है, वो बनता है कंपनी का मेंबर। और जो आदमी परचेस और सेल सेकेंडरी मार्केट वो होते हैं आपके भाई शेयर होल्डर। क्या मेंबर और शेयर होल्डर दोनों एक ही आदमी हो सकता है? यस। क्या मेंबर और शेयर होल्डर दोनों अलग अलग आदमी हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते। आज मेरा नाम कंपनी के मेंबर्स में है, मेरे पास आईटीसी के 1000 शेयर्स हैं, मैंने उठा के आईटीसी के 1000 शेयर्स एनएससी बीएससी में बेच दिए, आज उन शेयर्स का शेयर होल्डर कोई और है मेंबर में, क्योंकि मेंबर की किताबों में मेरा नाम। आप उतना बड़ा मत समझिए, छोटे लेवल पर समझिए। श्रुति हमारी स्कूल में पढ़ती है, श्रुति का यूनिफॉर्म पहन कोई और आ गया स्कूल में, अगर टीचर श्रुति को चेहरे से नहीं जानता वो दूसरा बच्चा पढ़ के आ जाएगा, लेकिन एडमिशन किसके नाम पर है? श्रुति के नाम पर है। FPO का मतलब फॉलो अप पब्लिक ऑफर, जो सेकेंड टाइम कंपनी शेयर्स इशू करती है। जैसे अभी अदानी ने आना, अदानी का सब केस है, जानबूझ के बनाई गई थी जिससे आईपीओ बिके, ठीक है, जिससे आईपीओ बिके। अदानी ने कितना अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा अदानी ने प्लान किया, पर जिसने भी किया था, मार्केट में अफवाह उड़ी, जिनको अदानी के बारे में नहीं भी पता था सबको पता था और पता चल गया। जब अदानी का आईपीओ आया, आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया सस्ते दामों में, अब महंगा, अब वापस से रेट देखो डबल हो गया। आपको सर मैंने देखो फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में फर्क क्या क्रिएट किया, फाउंडेशन में मैं ये नहीं बताता था आपको क्योंकि जरूरत नहीं थी, यहां पर मैंने आपको ये बताया
कि लिमिटेड बाय शेयर्स ही है अगर कंपनी रजिस्टर, अगर डायरेक्टली आप आईपीओ से खरीद रहे हो तो आप मेंबर बनोगे, अगर आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप शेयर होल्डर बनोगे। ये मेंबर शेयर होल्डर वाला डिफरेंस आज क्लियर हुआ? ये मेंबर शेयर होल्डर वाला डिफरेंस आज क्लियर हुआ? बोलो, आज आपका दिन था ना ये समझाने का, इसीलिए आया। क्लियर हुआ सर? नेक्स्ट, अब इसमें सर कुछ कंपनी के एग्जाम्पल दे देंगे, इसमें कुछ न्यू कंपनी के एग्जाम्पल दे देंगे नए कंपनी के। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, नई कंपनी जोमैटो, जोमैटो जोमैटो। अभी एक और चीज बता रहे, थोड़े दिन में देखना बायजूस भी जाएगा लिस्टिंग के लिए, पेटीएम। हाँ मैं अनअकैडमी में बैठ के बोल रहा हूं, बायजूस जाएगा लिस्टिंग के लिए, इसमें कोई अलग इंटेंशन नहीं है, जस्ट एक बात बता रहा हूं मैं कि बायजूस इज गोइंग फॉर दिस। ये लो भाई लिख लो, आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब आप फर्स्ट टाइम शेयर्स इश्यू करते हो, एफपीओ मीन्स फॉलो अप पब्लिक ऑफर, फॉलो अप पब्लिक ऑफर। रात को बेटा बॉयफ्रेंड को जीएसटी लिखते टाइम ठीक पता होता है कि गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स है उसका मतलब, लेकिन यहां पर सर ने एफपीओ क्या लिख दिया, आग लग गई कि शॉर्ट फॉर्म आपने कैसे यूज कर लिया। वो कहानी अर्थ बात के लिए, बन तो बिल्कुल सकता है बट वो कहानी बात के लिए। बेटा फर्दर फॉलो अप, जितने नाम आपको यूज करने हैं आप कर लो, लेकिन किताबों में आपको फॉलो अप ही मिले, ठीक है? फर्दर हम लोग खुद करते हैं, होता ना एक बोलने वाली बात होती है और एक लिखी हुई बात होती है। फॉलो अप पब्लिक ऑफर लिखी वाली बात है, फर्दर पब्लिक ऑफर बोलने वाली बात है, ठीक है? और हर बोल, और हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ, तो हम लोग बोलने वाले, हम लोग पढ़ने बात सीखेंगे, वरना लोग हमें बोलने लगेंगे कि भैया हुआ नहीं अभी तक तेरा इंटरमीडिएट। फिर लोग हमें बोलने लगेंगे हुआ नहीं तेरा अभी तक इंटरमीडिएट, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। आइए, तो यहां पर ये क्लियर हुआ सर, लिमिटेड बाय शेयर्स इज क्लियर, जोमैटो हो गया, जोमैटो वट एवर यू कॉल इट। फिर आया सर लिमिटेड बाय गारंटी, मेंबर के शेयर सेल करते ही मेंबर नाम रजिस्टर रचे, नहीं, आपको नेम चेंज के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपको नेम चेंज, देखो बेसिकली होता क्या है, एक कॉमन सेंस से बताते हैं जस्ट अगर, क्योंकि आपने पूछा और बेसिक बात क्या है ना, मैं पूछा हुआ क्वेश्चन जाने नहीं देता, हालांकि अभी बाद में इसको पढ़ेंगे ही हम लोग, चैप्टर में हमारे है, चैप्टर नंबर 6 में आएगा ये, बट जस्ट आपको बताते हैं। तुम्हारे पास कंपनी के शेयर है, तुम्हारा नाम मेंबरशिप में भी है, तुम उन शेयर के बेनिफिशियल ओनर भी हो और ओनर भी हो। बेनिफिशियल ओनर मतलब उस पर जो डिविडेंड मिलेगा वो तुमको मिलेगा, क्योंकि शेयर्स का जो डिस्टिंक्ट नंबर होता है वो तुम्हारे नाम पर है। सब लोग सुन लेना हाँ, एक बार के लिए। अब मान लो क्या हुआ, मैं वो शेयर ट्रांसफर कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज पर बेच दिया, दूसरे के पास चले गए, ठीक है? अब उसका बेनिफिशियल ओनर वो बन गया, ठीक है? वो कंपनी को अप्लाई करेगा विदिन 30 डेज अगर उसको मेंबर बनना है तो, ठीक है? वो जैसे ही अप्लाई करेगा कंपनी को 30 डेज में मेंबरशिप बनने के लिए, कंपनी हमको इंटीमेशन भेजेगा मेरे मेल में कि क्या ये सच में आपने ट्रांसफर किया है कि इसने धोखे से ले लिया। अगर मैं 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करता तो वो ट्रांसफर खारिज कर दिया जाएगा, मतलब वो कभी मेंबर नहीं बन पाए, मतलब 30 दिन में मेरा रिप्लाई करना कंपलसरी है। और अगर मैंने रिप्लाई कर दिया हाँ मैंने ये शेयर बेच दिए हैं, तो मेंबरशिप लेना ऑप्शनल है। सबने सुन लिया एक बार के लिए, सबने सुना एक बार के लिए मैंने जो बोला, याद नहीं करना, सुन लिया आपने, क्योंकि आपके मन में यह था ना कि कभी शेयर होल्डर मेंबर बन सकता है या नहीं या कैसे बनेगा, तो बस मैंने बोलने के लिए आपको बता दिया एक बार कि आपकी मन की जिज्ञासा पूरी हो जाए। बाकी तो हम लोग इसका पूरा डिटेल चार्ट भी दिखाएंगे आपको, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? सर लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है? यहां पर जो लाइबिलिटी है ना, यहां पर जो लाइबिलिटी, अब ये दो तरह की होती है, रिप्लाई नहीं दिया तो ट्रांसफर खारिज हो जाएगा ना, आप शेयर होल्डर ही रहेंगे, विद शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल, ठीक है?
मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मेंबर कैन बी शेयरहोल्डर, शेयरहोल्डर कैन ऑप्ट टू बी अ मेंबर या ही कैन स्टे एज अ शेयरहोल्डर, उसकी मर्जी, ठीक है। जैसे सर श्रुति अपना उसका यूनिफॉर्म पहन के जो दूसरी गई थी क्लास करने के लिए, वो अपना भी तो रजिस्ट्रेशन करा सकती है ना स्कूल में, और श्रुति के नाम पर भी जा सकती है, ऑप्शन। नहीं, यही तो तुम गलत कर रहे हो। अगर वो आदमी अपना नाम अप्रूव नहीं किया उस सेकंड बंदे ने, तो भी बेनिफिशियरी तो मैं रहूंगा ही, उसका जो डिस्टिंक्ट नंबर है शेयर का, उसका डिविडेंड तो मेरे पास जाएगा ही, बट वोटिंग राइट मेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेंबर के पास है। मैंने तो बोल दिया जो होल्डर है, शेयर होल्डर है, डिविडेंड उसी के खाते में जाएगा, एज सिंपल एज दैट। भले ही मेंबर, मेंबरशिप को तो मीट, अब जो मीटिंग के लिए जब डॉक्यूमेंट जाएगा ना, तो उसको बुलाया जाएगा, मेरे को। अरे मिल तो रहा है डिविडेंड, अबे यार इसीलिए हम नहीं बोलता है, पता है बीच में। गोबर गणेश, ये है राम, ठीक है। राम के पास 1000 शेयर्स है, ठीक है। राम का बुक में नाम भी है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। आज राम ये 1000 शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर बेच देता है, इस शेयर्स को अक्वायर करता है विनोद। अब शेयर्स का जो डिस्टिंक्ट नंबर है, ठीक है, वो अब विनोद के नाम पर चला गया है। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड विनोद के खाते में जाएगा, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नंबर इधर है। पर अगर विनोद अपने आप को मेंबर की तरह रजिस्टर नहीं करवाता, तो वोटिंग राइट राम का ही रहेगा, मीटिंग में भी राम को ही बुलाया जाएगा, विनोद सिर्फ डिविडेंड लेगा। दिमाग का उज्जवल जला कि डिविडेंड तो मिल रहा है गधे, मेंबरशिप राइट में वोटिंग राइट नहीं मिल रहा उसको। क्लियर हुआ अभी? बोल अभी क्लियर यार, अब कुछ क्रॉस मानना है तुम्हारा? डिविडेंड तो मिलेगा, डिविडेंड तो मेरे को जिस दिन शेयर खरीदूंगा उससे, ठीक है, पूछ ले, वो भी पूछ ले, अपने मन में मत रख। बोल, पूरा स्टॉक मार्केट यही करवा ले हमसे, फाइनेंशियल एडवाइस भी ले ले। आइए इधर, एक है सर विथ शेयर कैपिटल, एक है विदाउट शेयर कैपिटल, वो भी फ्री में। सर जो विथ शेयर कैपिटल होता है, जो विथ शेयर कैपिटल होता है, इसमें क्या होता है सर, सुनिए, ठीक है। यहां पर सर शेयर कैपिटल भी है, साथ ही साथ गारंटीड अमाउंट भी है, जो आपने मेमोरेंडम में बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन सर ये जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है, ये आप एनी टाइम क्लेम कर सकती है, कंपनी किसी भी समय मांग सकती है। लेकिन ये जो मेमोरेंडम में गारंटी का अमाउंट है, दिस इज ओनली ऑन वाइंडिंग अप, सिर्फ जब कंपनी बंद होगी तभी ये मांग सकती है, वरना नहीं मांग सकती। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ये नहीं माना जाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत एग प्रोड्यूसर्स, ठीक है। मैं आईटीसी शेयर खरीदा तो मेरा जीमेल पर ई वोटिंग का, हाँ सबका आता है, हमारा भी आता है, हमारा भी आता है। तो उसकी मेंबरशिप सामने वाले ने तुम्हारे फेवर में ट्रांसफर कर दी, तुम अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तुम्हारा नाम आ जाएगा। जब तक तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे वो ऐसे ही रहेगा, उसके पास नहीं है बेनिफिशियल ओनरशिप, तुम्हारे पास है, तुमको वोटिंग का मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, हमको भी आता है। मीटिंग अटेंड करके फायदा क्या है? वर्षा तुम्हारी उम्र क्या 18 साल पार कर गई है? तुम 18 क्रॉस कर गई हो? हम बस एक चीज तो बताओ जी, तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड है? वोटर आईडी कार्ड है? वोट देने का क्या फायदा है? वोटर आईडी कार्ड है, वोट देने का क्या फायदा है? वोट देने का क्या फायदा है? तुम्हारे वोट देने से कोई संसद चेंज होगा? तुम्हारे वोट देने से कोई संसद चेंज होगा क्या? तुम्हारे अकेले वोट पर, तुम्हारे इंडिपेंडेंट वोट पर सरकार बन सकती है क्या? नहीं, पर फिर भी हम लोग वोट देते हैं ना यार। मैं
शेयर होल्डर बन के वोट देने जाऊंगा तो मेरा कम से कम कोई सुनेगा तो, बड़ा सुने छोटा सुने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा वोटिंग राइट है तो सही, अच्छा लगता है जब तुम्हारी बोली हुई बात कोई सुन तो ले, वरना फिर फायदा क्या। आओ सर, उसके बाद आया सर विदाउट शेयर कैपिटल। आप मेरे को विदाउट शेयर कैपिटल मतलब ओनली गारंटी। यहां पर सर सिर्फ गारंटी का अमाउंट होता है और किसी चीज का अमाउंट नहीं होता, सिर्फ गारंटी का होता है। मतलब यहां पर हमने आपको कहा है कि जितना अमाउंट गारंटीड है सिर्फ वही आपको देना है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशनड है, और वो भी सर ओनली ऑन वाइंडिंग अप। अच्छा, ज्यादातर इस तरह की कंपनियां कौन सी होती हैं? ज्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, रामकृष्ण मिशन आश्रम। इधर बहुत छोटा हो जाएगा लिखने में, फिर तुम बोलोगे सर दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर खींच के लिख दूंगा। और सर वाइंडिंग अप में ना, वाइंडिंग अप में और लिक्विडेशन में अंतर होता है, ठीक है? वाइंडिंग अप में और लिक्विडेशन में अंतर होता है। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जहां पर एसेट बेच के लाइबिलिटी चुकाई जाती है, लिक्विडेशन उसका अंत है जहां पर बस आप फाइनल ताला लगा के सब लोग एक दूसरे से गले मिलके रो के बस बोलते हैं, बस चलो बेटा बहुत हो गया, आप धंधा बंद करो, निकलो, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इधर लिक्विडेशन भी लिख सकते हैं क्या? देखा, मैंने तेरा मैसेज पढ़ा भी नहीं, ठीक है, मैंने तेरा मैसेज पढ़ा भी नहीं, मैं इधर ही देख के बोल रहा था पर वो आ गया, ठीक है, पर वो इधर आ गया अपने आप। क्योंकि वो मैंने देखो, एक चीज होती है ना, तुम्हारे बोलने से पहले मैं सोच के रखा हूँ तुम क्या पूछोगे, तो वो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, उसके बाद कुछ नया पूछोगे तो नया आएगा, वरना वो तो आने ओनली आ। ये हो गया। अच्छा अब आया सर नेक्स्ट, सर लास्ट इसका, ये मिटा दे रहा हूं, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब सर देखो, अनलिमिटेड कंपनी का लॉजिक क्या है? ड्यूरिंग बिजनेस लाइबिलिटी लिमिटेड है। मतलब जब तक बिजनेस चल रहा है, ठीक है, जब तक बिजनेस फ्लो में है तब तक लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। ओनली ऑन वाइंडिंग अप पर्सनल एसेट्स आर अटैच्ड। सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम में पर्सनल एसेट्स को अटैच कर दिया जाता है। उस दिन उधार भी बच्चा सब जाएगा आपके साथ, ठीक है। मतलब उस दिन कंपनी आपसे क्लेम करना चाहेगी तो आपके पर्सनल एसेट्स पर भी क्लेम कर सकती है, लेकिन एक बात पर ध्यान रखना, सिर्फ एक मेंबर के लिए नहीं किया जाएगा, सब इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। सर ऐसी कंपनियां हैं भी, हाँ भाई, बहुत मशहूर कंपनी है, एक का तो तुम वॉले नहीं घस घस के कहां तक पहुंच गए, रैन बैक्सी होल्डिंग्स और रिबॉक, एमवे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो है, और वेस्टिज वो भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। ये सारी की सारी अनलिमिटेड कंपनी के हेडिंग्स में आती है, सब की सब अनलिमिटेड कंपनी है। तो यहां पर सर अनलिमिटेड कंपनी वाला क्लोज हुआ, ठीक है। अब पहले नया वाला बताता हूं, ठीक है, फिर पुराना वाला बता दूंगा। पहले नया वाला केस सुनो, ठीक है। फीचर्स सारे खत्म हो गए, अब नया वाला केस सुनो पहले, ठीक है। ली फार्मिंग का केस क्या है, ठीक है, केस स्टडी बता रहा हूं मैं आपको, केस स्टडी ली फार्मिंग का केस है क्या। देखो सर, ली फार्मिंग ना एक इमेज, ये इमेज को एक बार देखेंगे, क्लियरली दिखाई दे रहा है? नीचे वेजिटेशन है, ऊपर से प्लेन उड़ के जा रहा है, सारा का सारा नीचे वो फेंके चला जा रहा है, क्या बोलते हैं ये, इंसेक्टिसाइड्स,
ठीक है, उसमें डालने चला जा रहा है पेस्टिसाइड, ठीक है, ऐसे ही पानी भी डाला जाता है। तो ऐसे ही एक लीफ फार्मिंग कंपनी है जिसका काम है पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करना, ठीक है। इसका एक पायलट है, पायलट ऑब्वियसली होगा क्योंकि प्लेन वही चला रहा था, पायलट है जिसका नाम है मिस्टर ली। अब सर सुनो, इस कंपनी के 100% शेयर्स ली ही होल्ड करता है। ली कंपनी का वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है और उसके अलावा बाकी लोग भी हैं। एक दिन ली प्लेन चला रहा था, अब किसी ने अगर मेरे प्लेन पर हंसा तो भगवान माफ नहीं करेगा तुमको। एक दिन ली भैया प्लेन चला रहा था, ठीक है, और उसका प्लेन ढुसुम आके फट गया, क्रैश हो गया, ठीक है, उसका प्लेन आके भैया क्रैश हो गया, ठीक है, प्लेन आके उसका क्रैश हो गया। इसमें बेचारे ली की डेथ हो गई। अब ली की जो बीवी है वो रो रही है, ये देखो मेरा पति मर गया। ली और ली की बीवी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों खड़े होकर रो रहे हैं, यार ली मर गए, दोनों साथ में रो रहे, ठीक है। अगले दिन सुबह ली की बीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाती है, वो बोलती है देखो यार, ठीक है, मेरा पति तुम्हारी कंपनी में था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसने कंपनी का काम करते समय मर गया, डाइड ड्यूरिंग बिजनेस एक्टिविटी। ऐसा वो कोई पर्सनल में नहीं मरा कि अय्याशियां करते हुए मर गया हो तो, ठीक है, वो तो उसकी बीवी कर रही थी, मतलब वो मरा कैसे है, ठीक है, वो बिजनेस के दौरान मर गया बेचारा। तो उसकी वाइफ का कहना ये था, मिसिज ली का कहना ये था कि भैया मेरे को कंपेंसेशन दे दो, आई वॉन्ट कंपेंसेशन बिकॉज ही डाइड ड्यूरिंग बिजनेस। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतने निर्लज्ज हैं, क्या बोलते हैं सुन, बीओडी क्या बोलता है, एक तो इसकी बात सुन के मन किया इसका सर तोड़ दूं। देखो बीओडी क्या बोलता है, बीओडी बोलता है कि सर देखो 100%, अरे 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 हाँ, बीओडी बोलता है सर 100% कैपिटल is held by Lee. This is his company. This is his company. How can he pay himself? समझ? टंकी समझ रहे हो? ये बोल रहे हैं कि भैया ये तो 100% कैपिटल Lee होल्ड करता है, तो वो अपनी कंपनी से खुद ही को कैसे पेमेंट कर सकता है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए पैसा दे तो समझ में आता है, वो पर्सनल पेमेंट कैसे कर सकता है खुद को, बिकॉज इट इज हिज कंपनी ओनली। उसकी बीवी और बीवी का बॉयफ्रेंड दोनों बहुत दुखी हुए इस चीज से, वो लोग दोनों भाई कोर्ट गए। वो लोग कहां गए? कोर्ट गए। कोर्ट में जाके उन्होंने अपना पूरा बात बताई। अब बीवी और बीवी के बॉयफ्रेंड के फेवर में कोर्ट ने डिसीजन दिया। कोर्ट ने क्या बोला सुनो, कोर्ट ने बोला ली फार्मिंग लिमिटेड एंड मिस्टर ली हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, हैव सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है, इनकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है इन द आईज ऑफ लॉ, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, एक्स एंड वाई ऐसे करके अलग अलग, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इन द आईज ऑफ लॉ। ली फार्मिंग लिमिटेड विल पे कंपेंसेशन टू मिस्टर ली as he died during business activity. अभी अय्याशियां करते हुए मरा होता तो कुछ नहीं होता भाई, ड्यूरिंग बिजनेस एक्टिविटी अगर है तो,
जैसे सर फॉर एग्जांपल, भगवान प्लीज इस समय मेरे मुंह में सरस्वती नहीं आनी चाहिए, करियर के पीक पे, लेट्स से कि मेरे को अभी यहां से अनअकैडमी गुवाहाटी से बैंगलोर बुलाए, ठीक है, वैसे मैं जा ही रहा हूं, मेरे को बुलाया ही है 21 तारीख को, अगर इस ट्रिप के दौरान मेरे को कुछ हो जाए, ठीक है, प्लेन पर क्रैश हो जाए, मेरे को कुछ हो जाए, तो भैया अनअकैडमी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे कंपेंसेशन टू माय मॉम एंड डैड, क्यों, क्योंकि इट वॉज ड्यूरिंग बिजनेस एक्टिविटी, लेकिन 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 हाँ, हर इंडिगो का फ्लाइट में तो एक ही एयर होस्टेस होती है ना, उनके पास तो और काम ही धंधा नहीं है, ऐसे ही उन्होंने 3,000 करोड़ की कंपनी बना दी है प्रॉफिट के साथ, एक ही एयर होस्टेस को हर प्लेन में बैठा के, तुम भी भाई हद आदमी हो यार, आइए सुनना क्या दब लॉजिक लगाते हो, और मेरे को मैं बुक किया उन्होंने ट्रैवल बाय विस्तारा वर्ल्ड, बोलते हैं सर आप जाइए आराम से विस्तारा में, बढ़िया, बस ये जो हमको जब ये सीयूईटी कैटेगरी वाले लीचर लोग बुलाते हैं, वो लोग इंडिगो से कराते हैं, वैसे ही हम मिला था उससे इंडिगो में, लखनऊ का फ्लाइट, वरना यूजुअली अनअकैडमी मेक्स मी ट्रैवल बाय विस्तार, तो सर खाने का मजा लीजिए, पार्टी उटी करिए, सो के जाइए, आइए वापस आते हैं, तो सर यहां पर अगर देखो उस केस में मैं रिस्पॉन्सिबल होता, लेकिन अभी देखो सर मैं अगर पर्सनल ट्रैवल के लिए मैं यहां से बैंगलोर जाऊं और उस फ्लाइट पर मेरे को कुछ हो जाए, अनअकैडमी एक रुपया नहीं देगा, और देना बनता भी नहीं है, बिकॉज इट वॉज नॉट बिजनेस एक्टिविटी, इट वॉज नॉट बिजनेस एक्टिविटी का रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, इसीलिए यहां पर ली को पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग बिजनेस एक्टिविटी हुआ, कभी में गिर जाता और उससे इसकी मौत हो जाती, एक रुपया नहीं मिलता कंपनी से, लेकिन यहां पर मिलना क्यों चाहिए, क्योंकि ली फार्मिंग और ली अलग अलग है, और वो बिजनेस एक्टिविटी के दौरान पड़ा, केस क्लियर है अभी आपको, केस एब्सोल्युटली क्लियर है बेटा, एकदम बढ़िया से क्लियर है, अच्छा ये केस क्या चीज का एग्जाम्पल है, ये केस इस चीज का एग्जाम्पल है कि कंपनी और मेंबर में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, तो पहले मैंने जानबूझ के वहां पर नहीं लिखा था, जिससे आपको खुद फील हो, दिस वॉज केस स्टडी नंबर वन, केस स्टडी का नाम ली फार्मिंग, ठीक है, केस स्टडी नंबर वन, एंड द कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड हियर वॉज सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, अब दूसरी वाली केस स्टडी भी बता देते हैं, आई गेस ये वाली केस स्टडी थोड़ी जल्दी हो जाएगी, इसमें थोड़ा टाइम लगा था, बट ये वाली आई गेस जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली केस स्टडी जो लोग हमसे फाउंडेशन पढ़े हैं वो कम से कम 18 बार पढ़ चुके होंगे 6 महीने के पीरियड में, अब उनको अब तो ऐसा लेवल हो गया होगा कि सलमान उनको लगता होगा उनका दोस्त का लड़का है, ठीक है, तो एक थे भैया सलमान भाई, इनको प्यार से हम लोग बुलाते हैं सलमान, ठीक है, ये क्या थे भैया, इनफैक्ट कल रात में 11 बजे के लेक्चर में यूट्यूब पर मैं यही करवा रहा था, वो थे भैया वुड कटर, ठीक है, ये करते क्या थे, ठीक है, ये लकड़ी काट के उससे फर्नीचर बना के बेचते थे, तो लकड़ी काट के उससे फर्नीचर बना के बेचते थे, फिर इन्होंने सोचा कि चलो एक कंपनी खोलते हैं, तो इन्होंने एक कंपनी खोली सलमान लिमिटेड, अब इन्हें पता था कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 आदमी चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, इनके कुछ पर्सनल एसेट्स थे, मतलब वही पैसे जिनका टोटल वैल्यूएशन था 38,782 pounds, ये सब इन्होंने ट्रांसफर कर दिया सलमान लिमिटेड को, बदले में इन्होंने सलमान लिमिटेड से शेयर्स ले लिए 20,000 pounds के, वैल्यूड एट 1 pound ईच, डिवेंचर ले लिए 10,000 pounds के, ठीक है, और लास्ट में कैश ले लिया उससे 8,782 pounds, ठीक है, ये 3 चीज ले लिए, शेयर्स डिवेंचर और कैश, किससे सर, सलमान से, मतलब कंपनी से, अब सर इसकी अगली मुद्दा ये था कि एक शेयर होल्डर तो ये खुद बन गया, बाकी 6 कहां से आएंगे, तो एक शेयर इसने अपनी बीवी को दिया, ठीक है, 4 शेयर 1 ईच
ठीक है, वन ईच, इसने अपने चार सन को दिया, ठीक है, और एक शेयर इसने अपनी डॉटर को दे दिया, बिटिया को, ठीक है, एक शेयर डॉटर को दे दिया। तो ऐसे करके भैया सात आदमी बन गए इसके, सेवन आदमी, कंपनी चलने लगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अरे 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 ये क्या बन रहा है। हाँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपनी का बिजनेस फ्लरिश किया, बिजनेस फ्लरिश, आधा पैसा है। लेकिन फिर सर वही बोलते हैं ना कि जल्दी ही नजर लग जाती है, वो एक मीम आता है ना इंस्टाग्राम में, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हाँ, तो इनको भी क्या हुआ, इनको नजर लग गई, ठीक है, फिर इनका बिजनेस क्रैश कर गया, फिर इनका बिजनेस क्रैश कर गया। हाँ बेटा, हम सब देखते हैं, फिर इनका बिजनेस क्रैश कर गया, ठीक है, बिजनेस में भारी लॉसेस होने लगे। तो फिर भैया एसेट्स को सेल करना पड़ा इन ऑर्डर टू पे लाइबिलिटी। लेकिन एसेट्स को सेल करके पता है दो अमाउंट जो रियलाइज हुआ, अमाउंट जो रियलाइज हुआ वॉज ओनली 10,000 pounds। लाइबिलिटी बहुत सारी थी, रियलाइजेशन से 10,000 pounds का हुआ। तो भैया कायदे से सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योर्ड लाइबिलिटी की होती है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इस केस में डिबेंचर वॉज सिक्योर्ड, तो उसने डिबेंचर को पिट दिया। अब ये भैया सिर्फ एक कोइंसिडेंस था दैट द ओनली डिबेंचर होल्डर वॉज सॉलमन हिमसेल्फ। ये बात में ना क्रेडिटर ने सॉलमन को गालियां देना शुरू कर दी, पूरा बाप भाई की गालियां दी हैं सॉलमन को, ऐसी ऐसी गालियां दी हैं जिसका कोई वो नहीं। कुछ गालियां तो ऐसी थी कि सॉलमन भैया को गूगल करके समझना पड़ा कि ये गालियां हैं क्या। ये कौन थे सर? ये थे आउटसाइड क्रेडिटर्स, मतलब गलियों में इतने नाउन प्रोनाउन थे कि सलमान भैया समझ नहीं पाए कि ये क्या सुनने मिल रहा उनको, ठीक है। तो देखो शक्ल में गुस्सा दिखाई दे रहा तुमको, ठीक है। तो ये लोग भैया क्या किए, ये लोग गए कोई जाकर बताया, एक आधी गाली बताऊं बेटा, ठीक है, पर्सनल बताएं। तो अभी क्या हुआ सर, बेटा ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आना। तो अब ये लोग क्या थे सर, ये लोग थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पर क्रेडिटर तो थे। अब हम आपको दोनों पार्टी समझते हैं, ठीक है, दोनों पार्टी का व्यू समझाते हैं, समझो क्रेडिटर्स क्या कहना चाहते थे और कोर्ट ने क्या कहा। क्रेडिटर्स बोल रहे थे कि सिंस ऑल शेयर्स आर हेल्ड बाय सॉलमन, दिस कंपनी बिलोंग्स टू हिम, ठीक है, सो फर्स्ट पेमेंट, हेलो बेटा स्पर्श, शुड बी मेड टू आउटसाइडर। मतलब इनका कहना यह था कि सर देखो सर एक बात समझो, सारी की सारी चीजें, सारी पेमेंट्स पहले तो बाहर वाले को करनी चाहिए ना, क्योंकि देखो सर जब आप उधारी पेमेंट करते हो पहले आप घर वालों को थोड़ी ना, पहले तो बाहर वालों को देते हो। क्रेडिटर उसका यही कहना था कि भैया सॉलमन की ही तो ये कंपनी पूरी ओनरशिप तो ये पास है, तो पहले पेमेंट वो उनको कैसे करते, उनको बाहर वालों को करना चाहिए। मतलब क्रेडिटर की नजर में, इन शॉर्ट क्रक्स में, क्रेडिटर ये बोलना चाहता था कि सॉलमन इज सेम, क्रेडिटर ये बोलना चाहता कि सॉलमन और सॉलमन कंपनी इज सेम, क्रेडिटर ये बोल रहा था।
ये क्रेडिटर ने कोर्ट के सामने बोला। अब कोर्ट में जज का क्या जजमेंट आया? ठीक है, जज ने बोला, ध्यान से सुन, कि सलमान एंड सलमान प्राइवेट सलमान लिमिटेड सलमान एंड सलमान लिमिटेड इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय लॉ, जिसको लॉ द्वारा क्रिएट किया गया, उसकी और कंपनी की अलग अलग एग्जिस्टेंस है। ठीक है, फर्स्ट पेमेंट शुड बी मेड टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, फर्स्ट पेमेंट शुड बी मेड टू डिबेंचर होल्डर, लास्ट लाइन जो कोर्ट ने बोला, इसमें तो जल गई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। इफ सलमान इज द ओनली डिबेंचर होल्डर दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। भाई सलमान बाहर निकला, उसने अपना कॉलर उठाया, उसने बोला लग गई ना, और वो वहां से निकल गया। ठीक है, वहां से निकल गया क्योंकि भैया उसने ऑन वैलिड ग्राउंड्स उसने ये केस को जीता था। ठीक है, तो ये है केस स्टडी 2, सलमान वर्सेस सलमान लिमिटेड। केस स्टडी नंबर 2। ठीक है, तो ये दो केसेस हमने आपको बताए, एक सलमान वाला बताया, एक ली फार्मिंग वाला बताया, एंड आई होप आपको ये दोनों केसेस एकदम क्लियर कट दिमाग में बैठ गए होंगे। हाँ, एक बार आप कॉमन सील पढ़ के, जो आज का हमारा टारगेट था कि सारे के सारे फीचर्स को खत्म करना है, वो हमारे सारे के सारे फीचर्स हो जाएंगे। कहां गया फीचर, अरे कहां चला गया। हाँ, ये देखो भाई, कॉमन सील आ गया। ठीक है, अ कंपनी में हैव अ कॉमन सील, अ कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अब भैया आप थोड़ा बचपन में चलते हैं, ये तो अच्छी चीजें हो गई। अब छोटे बचपन में जो पढ़ा था बेटा, कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, शेयर्स आर गुड्स, अगर आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट याद हो, शेयर्स आर गुड्स एंड एज पर सेक्शन 44 एंड 45, जो कि डिलीटेड है इंटरमीडिएट के सिलेबस से। अब सुनो नो, इस बार सेक्शन 44 45 डिलीट किया, बच्चे खुश हो गया, सर दो सेक्शन कम हो गया। ये बच्चा हमको मैसेज कर रहा, सर आपको पता अमेंडमेंट आया, दो सेक्शन कम हो गया 44 45। बोला अच्छा, हम बताएं तेरे को 44 45 है क्या? बोला हाँ सर बताओ। हम बोला 44 है कि शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और 45 दैट शेयर हैज अ डिस्टिंक्ट नंबर। बस ये दो सेंटेंस है ये सेक्शन। फोन रख दिया उसने। अरे भाई ये कोई डिलीजन थोड़ी ना, ये आईसीआई ने बोल दिया मत पढ़ो, मतलब क्या? तो क्या एक्चुअल में नहीं पढ़ना है क्या? लॉजिकल है, शेयर्स गुड्स है तभी तो बेचे जा रहे हैं, और उनपे नंबर है तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आपका कॉलेज में यूआईडी नंबर होता है, वैसे शेयर्स का भी होता है। अब मेरी बात सुनना यार, प्लीज ध्यान से। प्राइवेट कंपनी में शेयर को ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शन है, माइंड यू, प्रोहिबिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। एक एक्रोनिम है इसका, लंडन स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे पान खाने, अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस पढ़ाऊंगा मैं आपको, अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस शेयर्स आप ट्रांसफर कर सकते हो प्राइवेट कंपनी में, रिस्ट्रिक्टेड है, मना नहीं है। पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली ट्रांसफर है। बचपन में, एक सेकंड रुकना, तो
कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं है, एक्सडी कमी नहीं है, सब गंदे बच्चे हैं ये लोग, सब अपने एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड के दीवाने हैं इसलिए एक्सडी लिखते हैं। है ना सर? अब आपने एक चीज छोटे में पढ़ा था, ठीक है, सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप मैनेजमेंट। मैं शेयर ओन करता हूँ, ठीक है, आईटीसी में भी करता हूँ, क्या मैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ के कंपनी चला रहा हूँ? वो बात देश की सारा है क्या, हम लोग देश चला रहे हैं? नहीं, हम लोग ने वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया है मोदी जी को कि आप हमारे लिए देश चलाएंगे। हमारे देश में भी सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप मैनेजमेंट है, कंपनी में भी होता है। कंपनी में ओनर कौन है? हमारे जैसे शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया है, लेकिन कंपनी चलाता कौन है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने, जिनको हमने इलेक्ट किया है कि भाई तू मेरे बिहाफ पर कंपनी चला। सो देयर इज सेपरेट मैनेजमेंट एज वेल, सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट फिर आती है सर सेपरेट प्रॉपर्टी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, कि जैसे ही सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप कंपनी द्वारा खरीदा हुआ प्रॉपर्टी कंपनी का होता है, बाहर वाला खरीदा हुआ प्रॉपर्टी बनो। अब पता है काम क्या होना चाहिए आपका? जैसे मान लीजिए मैं आज आपको यहां तक पढ़ाऊंगा, अभी एंड दिखा दूंगा कहां तक जाएगा, आप बस इसको एक बार रीड कर लेना किताब को और नोट्स को देख लेना, बस आपका इतना ही काम रहेगा, और रात की रिकॉर्डिंग सुन लेना, और कल सुबह क्लास में टाइम से आ जाना, मैं रिविजन करा दूंगा। इतनी ही सेल्फ स्टडी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं बेटा। देखो तो लेवल के नोट्स बनते हैं, हर चीज नोट्स में नहीं जाती। फाउंडेशन में याद है ये हर चीज नोट्स में गई थी, फाउंडेशन में याद है ये हर चीज नोट्स में गई थी, फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट वो थी, इंटर में वो रिक्वायरमेंट नहीं, बट इंटर में ये पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं। ठीक है सर, कंपनी के ऊपर आप केस कर सकते हैं, कंपनी अपने ऊपर केस खा भी सकता है। ये देखिए सॉलमन वाला पूरा का पूरा केस है, ठीक है, फिगर्स आपको थोड़े अलग दिख रहे होंगे, वो अलग अलग किताबों में अलग अलग फिगर दिए, इतना टेंशन मत लेना। तुम्हारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये 8782 होना चाहिए, तुम 8782 ही करो, तुमको फिगर में इतना टेंशन लेने की दरकार नहीं है, तुमसे फिगर नहीं पूछे जा रहे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रेट है। बुक आपकी हफ्ता भर में आपके पास उधर भी आ जाएगी, अगर आपने पे मतलब उसमें मेल में भी, और मैं परचेस के लिए भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आपको एमसीक्यू बुक की भी पीडीएफ मिल जाएगी, अगर आपको एमसीक्यू की हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हार्ड कॉपी बाय कर सकते, पर आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए सर, इधर लीक फार्मिंग का केस आया था, लेकिन हम आपको कल यहां से करवाएंगे 1.4 से, ठीक है। हम लोग ने आपसे 3 दिन मांगे है ना बेटा, जो प्रिंटिंग का प्राइस लगेगा वही आप देंगे, हम आपको बिल यहां पर दिखा देंगे, हमको आपसे 1 रुपया नहीं कमाना, हमको बस एक चीज चाहिए जो हमसे आपको आपसे फाउंडेशन में चाहिए थी, हमें इस फैमिली को गुजरना। आपने 2 साल में मेरे को जहां तक फाउंडेशन में पहुंचाया है, आपने उस सब्जेक्ट का मेरे को किंग बनाया, यूट्यूब पर भी, यहां पर भी, मेरे को यहां भी यही करना। हाँ यही कलरफुल बुक है, हमको यही यहां पर भी यही करना। मैं 2 साल देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरे को उस लेवल पर जाना है, यहां पर इंटर में, ठीक है, क्योंकि छोटा नहीं खेलना अपने को। तो यहां तक आपको रीड करना है, पेज नंबर 1.4। मैंने आपसे कितने दिन मांगे? मैंने 3 दिन मांगे आपको, आज डे नंबर 1 है, 3 दिन के अंदर मैं पूरा इंट्रोडक्शन खत्म करके आपका ना, आपको फिर चैप्टर नंबर 2-3 नए चीज पर लेके चलूंगा। वैसे यहां पर भी काफी नया चीज सीखने को आएगी, जस्ट जब ओपीसी आएगा, ठीक है, जब ओपीसी आएगा। तो आज के एक बार फिर बुक का बता दीजिए। देखो सर, आप लोगों को विद इन 1 वीक एक मेल आएगा, उन लोगों को एसकेयू बाय किया है, ठीक है, जिन्होंने एसकेयू बाय किया है, आपको एक मेल आएगा, एसकेयू मतलब मेरा स्टोर यूनिट परचेस किया है, एक मेल आएगा। उस मेल में आपको सारी की सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, अपना एड्रेस उड्रेस सारी चीजें, बुक आपके घर पे आ जाएगी फ्री में, ठीक है। उसके अलावा अच्छा सॉ यार पहले बोलना चाहिए था, शुरू कर दिया मैंने, रुको। देखो सॉफ्ट कॉपी की कहानी, ऐसा टेलीग्राम पर क्लिक किया, ड्राइव खुली, मतलब टेलीग्राम खुला, टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फोन में देख रहे हैं तो फोन में जाइए, इसमें देख रहे हैं तो इसमें, इसमें देखेंगे तो ब्लू कलर का चमक रहा होगा, क्लिक करिए, आप इधर आओगे, यहां पर देखो लॉ बुक बाय सीएसजी लिखा है, चैप्टर वाइज है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री फॉर डाउनलोड। पता है कुछ कुछ बच्चों को मैंने ये तक परमिशन देके रखी है,
मेरे को कोई पैसा नहीं कमाना, मैंने देख के रखा, पैसा वैसे भी अनअकैडमी को जाएगा, अगर आप बुक परचेज भी करते हो ना, मेरे को एक रुपया नहीं मिलेगा, सब अनअकैडमी के पास जाएगा। मैंने बच्चों को ये भी बोला है, आप ऐसा ही कर लो ना, आप बुक पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करा लो, और सस्ता पड़ेगा, ये भी कर सकते हो, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजें आपको ओपन रखी है। अच्छा हाँ, नोट्स भी क्लास के अपलोड होते हैं, ठीक है, कलरफुल तो बेस्ट है। फिर से दिखाता हूं आपको, देखिए आपने जैसे ये लॉ बुक खोली, अब इसमें आप पीछे चले जाओ, ठीक है, तो यहां देखिए क्लास नोटिंग है, आप इसको खोलोगे तो इसमें क्लास नोट्स आ जाएंगे। अगस्त के महीने में अपने ने बैच चालू किया, कल पहली क्लास हुई थी, क्लास अवेलेबल है फॉर डाउनलोड, ऐसे ही दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, आते जाएंगे सारे के सारे। एमसीक्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक एक ही बुक में, अलग अलग नहीं, एक ही में। हाँ बिल्कुल मिलेगी वर्षा, आइकॉनिक में आपकी मिलेगी, कुछ एडिशनल करना पड़ेगा बेटा। आइकॉनिक वालों का मैंने कल उनसे पूछा था, तो मोस्ट प्रॉब्ली आइकॉनिक वालों में मेरी बुक ही आपको प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, और अगर उधर से नहीं होती तो मैं अपनी तरफ से भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सर क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन बैंक भी इसी में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, आज ही हो जाएगा वो भी, ओके। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, नथिंग, मैं बस यू टाइम, बाय बाय। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, हम लोग को बहुत लंबा सफर साथ में तय करना है, 3.5 महीना है, लेकिन सर बात रखिएगा, 3.5 महीना है जरूर, लेकिन अकेले नहीं पढ़ना है, बाकी जगहों से बच्चों को हमारे बारे में बताइए, लेके आइए सबको, क्योंकि एसकेयू बैच है, आपकी हेल्प की जरूरत है। हमारे ग्रुप में अभी मैंने जस्ट देखा 135 मेंबर्स ऐड हो गए, ठीक है, हम लोग टारगेट बनाते हैं दैट बाय द टाइम दिस बैच एंड्स वी नीड टू रीच 500, ठीक है, प्लस स्पेशल यूट्यूब फ्री पेड लर्नर सबको जोड़ जाना। हाँ, मेरा इंटरमीडिएट का जो आईसीआई का मॉड्यूल है और मेरा जो बुक है वो अलग अलग है, कंटेंट पूरा सेम है, ठीक है, कंटेंट मतलब जो कंटेंट वहां पर है वो हमारे पास भी है, प्रेजेंटेड डिफरेंट मैनर में है, और लैंग्वेज इज बेटर, ठीक है, और कलरफुल, ये फाउंडेशन वाला हिसाब नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई, फाउंडेशन वाला उसको कलर किया गया, यहां पर लैंग्वेज भी डिफरेंट है, एग्जाम्पल्स भी ज्यादा है, तो यहां पर कंटेंट इज डिफरेंट, ठीक है, मतलब सेक्शन 124 वहां है, सेक्शन 124 यहां भी है, सेक्शन 124 का ज्ञान भी यहां है, साथ में 10 एग्जांपल भी, सो दिस बुक इज बेटर, ठीक है। इंटर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, फाउंडेशन की अलग, जैसी फाउंडेशन की थी वैसी फाउंडेशन का बुक है, सेंटर का बस नाम हमने हर जगह सेम रखा है, संजीवनी, क्योंकि हमारे दिल के बड़ा करीब है, ठीक है, बाय बाय, सी यू आज के मेरे भाई। क्या कॉम्बो, क्वेश्चन आंसर का हम सिर्फ पीडीएफ डाल रहे हैं, उसका हम बुक का देख रखा है, ठीक है, आप लोग अभी पढ़ने पे ध्यान दें, खाली किताब 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 रोई चला जा, किताब आंसर पीडीएफ से करना, अभी दिया तो है, लिखना तो शुरू करो, अब रात को 10:30 बजे के आसपास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सुनना मत भूलना, बाय बाय, सी यू टाटा।